है साथियों, जैसा कि आप सब जानते हो कि 24 जून को नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब द्वारा जम्मू कश्मीर के संदर्भ में जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई वो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई। उस बैठक में जम्मू कश्मीर से 14 बड़े राजनीतिक नेताओं ने भाग लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक पॉलिटिकल डेडलॉक बना था उसको समाप्त करने का एक बेहतरीन इनिशिएटिव लिया और इस बैठक में जो जो नेता आमंत्रित थे वो सभी उस बैठक के अंदर आए। भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहां मैं स्वयं इस बैठक में शामिल हुआ, वहीं हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री श्रीमान कविंद्र गुप्ता जी और पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी ने भी भाग लिया। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने इस ऑल पार्टी मीटिंग जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बुलाई थी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, उसमें जम्मू कश्मीर के राष्ट्रवादी लोगों के, देशभक्त लोगों के वो सभी विषय उस बैठक में रखे जो 70 वर्षों से जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे देशभक्त लोग एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं, उन सभी विषयों की चर्चा हमने उस बैठक के अंदर की। हम सब ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद किया जो धारा 370 के समापन के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिम पाकिस्तान के रिफ्यूजियों को अधिकार मिले, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज को अधिकार मिले, दलित समाज को उनके अधिकार दिए गए, जम्मू रीजन के अंदर डेवलपमेंट का, विकास का एक नया दौर शुरू हुआ। 70 साल यहाँ के जो राजनीतिक दल जो हमेशा सत्ता में रहे उन्होंने जो जम्मू के साथ भेदभाव किया उस भेदभाव को समाप्त करने का एक संकल्प जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने लिया, जिसके तहत जम्मू में एम्स, आईआईटी, आईआईएम, बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, रिंग रोड्स, मेडिकल कॉलेजेस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के बड़े प्रयास, बड़े बड़े ब्रिजेस और टनल्स, बिजली और पानी की व्यवस्थाओं को सुधारने के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, ये सभी वो बड़े कार्य हैं जो जम्मू संभाग के अंदर शुरू किए गए। इसके लिए भी हम सब ने माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद किया। वहीं हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया जो जम्मू कश्मीर की बेटियों को धारा 370 के समापन के बाद यहां अधिकार मिले। जम्मू कश्मीर के अंदर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग हैं, गुजर, बकरवाल, उनको राजनीतिक पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला। जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं जो कि बहुत ही वतन परस्त पहाड़ी कम्युनिटी, रजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा के अंदर जो बसने वाले लोग हैं, जो हमेशा हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा बुलंद करके भारत माता की जय बोलते हैं, 70 साल यहाँ के अंदर राज करने वालों ने कभी उन पहाड़ियों की आवाज़ नहीं सुनी, कभी जम्मू के डोगरों की आवाज़ नहीं सुनी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों का ये नतीजा है कि आज 108 से अधिक केंद्रीय कानून जो धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे वो सभी कानून आज यहाँ लागू हो चुके हैं। आज चाहे वो राइट टू एजुकेशन एक्ट है, वो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, वो जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है। आज एंटी करप्शन लॉस जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुए हैं तो धारा 370 के टूटने के बाद लागू हुए हैं। 70 साल यहाँ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लागू नहीं होने दिए, यहाँ इफेक्टिव कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाए गए कि करप्शन को कैसे खत्म करेंगे, लेकिन आज जब धारा 370 का समापन हुआ तो वो सभी एक्ट, वो सभी कानून जो देश के पार्लियामेंट ने बनाए हैं और भ्रष्टाचार विरोधी कानून हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुए।
आज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का ज्यूरिडिक्शन जम्मू कश्मीर में पहुंचा है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स को जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड कर दिया गया है। ये सारे ऐतिहासिक निर्णय धारा 370 के समापन के बाद हुए। हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद किया जो पंचायती राज कानून को और उस सारी व्यवस्था को पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लागू किया गया। पूरे देश के अंदर पंचायतों को अधिकार थे, ब्लॉक समितियां थी, जिला परिषदों का गठन था, लेकिन 70 साल धारा 370 के चलते जम्मू कश्मीर में पंचायती राज सशक्तिकरण नहीं होने दिया। लेकिन आज जब मोदी सरकार आई और धारा 370 को समाप्त कर दिया गया, गांव गांव के अंदर काम करने वाले चुने हुए पंच और सरपंच बहुत अच्छे तरीके से अपने अपने पंचायतों की, गांव की, वार्डों की डेवलपमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से बीडीसी के चेयरमैन, ब्लॉक समितियों के अध्यक्ष अपना कार्य कर रहे हैं, और बेहतरीन तरीके से जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल डीडीसी मेंबर्स जो जीते हैं, जो जिला परिषदों का गठन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है, उसके लिए हम सब ने माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त किया। हम सब जानते हैं जो कैपेक्स बजट इस बार जिला परिषदों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के अंदर जिसको अप्रूवल दिया गया है, वो पिछले तमाम कैपेक्स बजट से 4 गुना 5 गुना तक अधिक बढ़ाया गया है। इस सब के लिए हमने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का हृदय से धन्यवाद किया। साथियों, जहां इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपना अपना पक्ष रखा, भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के देशभक्त लोगों की एक मजबूत, सशक्त और बुलंद आवाज बनकर सारे विषय हमने इस सर्वदलीय बैठक के अंदर रखे। हमने कश्मीर घाटी से जो विस्थापित, जो कश्मीरी हिंदू समाज के लोग हैं, कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग हैं, कश्मीरी सिख जो कश्मीर घाटी से भगाए गए, और कश्मीर घाटी से वो मुस्लिम हमारे भाई बहन जो देशभक्त हैं और बंदूक की नोक पर उनको वहां से निकाला गया, उनके डिग्निफाइड रिटर्न एंड रिहैबिलिटेशन की बात हमने इस बैठक के अंदर की। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि एक कमेटी का गठन किया जाए, एपेक्स कमेटी हो, एपेक्स बॉडी, जिसमें कश्मीरी पंडित समुदाय और सिख समुदाय के जो कश्मीर से विस्थापित कुछ प्रतिनिधियों को रखा जाए, और कश्मीरी हिंदू समाज, कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित और सम्मान कश्मीर घाटी वापसी पर चर्चा करके रोड मैप तैयार किया जाए। और वहीं हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से जो विस्थापित लोग हैं, जो पीओजेके के रेफ्यूजीज हैं, 1947 के, 1965 के और 1971 के रेफ्यूजीज के सभी विषयों को हमने उस बैठक में रखा। हमने डिलिमिटेशन प्रक्रिया को, जिसको शुरू किया गया है और जो प्रक्रिया चल रही है, उसको तेजी से कंप्लीट करके जम्मू कश्मीर के अंदर डिलिमिटेशन पूरा हो और कानून और न्याय संगत वो डिलिमिटेशन हो, जहां सबको इंसाफ मिले और कानून के हिसाब से हो। क्योंकि इसके पहले जब भी डिलिमिटेशन हुए, सीटों की हदबंदी की गई, उसमें कहीं ना कहीं अगर हम सारे डेटास को और सारे ज्योग्राफिकल परिस्थितियों को देखें तो पुराने सरकारों के दौर में बहुत धांधलियां हुई, और वो जिक्र भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के समकक्ष रखा, और हमने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया अच्छे से संपन्न हो, डिलिमिटेशन कमीशन को जम्मू कश्मीर के हर वर्ग और व्यक्ति के साथ इंसाफ करना है। और वहीं हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के लोगों के विषय में भी माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर भी भारत का, हिंदुस्तान का हिस्सा है, जिसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी के साथ आने वाला गिलगित और बल्टिस्तान वो क्षेत्र भी है। ये सब भारत भूमि के भाग हैं, ये हिंदुस्तान के हैं, वो हमारी मातृभूमि के हिस्से हैं, जिसमें गिलगित, बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद
मीरपुर, कोटली, भिंबर, बाग, पलंदरी, देवा, बटाला और नीलम वैली जैसे क्षेत्र हैं। ये सारे भारत के क्षेत्र हैं, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के नाजायज कब्जे में हैं। वहाँ के लोग हिंदुस्तान के नागरिक हैं, वो लोग भी इंडियन सिटीजन्स हैं, हमको उनकी भी चिंता करनी है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो 24 सीटें जो आरक्षित हैं POJK के लिए, उसके विषय में जो 1947 में 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन माइग्रेट करके जम्मू कश्मीर में आई है, इसी के प्रपोर्शन कुछ सीट्स POJK के रेफ्यूजीज के लिए जो है वो रखी जाए। क्योंकि ये सारा मामला अब डिलिमिटेशन कमीशन के ज्यूरिडिक्शन में है, उनके तत्वाधान में होगा, तो हम ये सभी विषय डिलिमिटेशन कमीशन जिसके चेयरमैन जस्टिस देसाई हैं उनके समकक्ष भी रखने वाले हैं। इन सभी विषयों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पक्ष रखा। जम्मू कश्मीर की जनता के वो सभी महत्वपूर्ण विषय हमने इस सर्वदलीय बैठक के अंदर पूरे जोर शोर के साथ रखे हैं। पूरा रिप्रेजेंटेशन बना के हमने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी को सौंपा है, और हमें विश्वास है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा, और जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों और सभी नेताओं से यह आह्वान किया कि हम सबको मिलकर दिलों की दूरियां भी मिटानी होंगी और दिल्ली की दूरियां भी मिटानी होंगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने कहा पूरा जम्मू कश्मीर उनके परिवार के जैसा है, और जम्मू कश्मीर का प्रत्येक नागरिक, प्रधानमंत्री जी ने कहा, उनके परिवार के सदस्य जैसे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका आह्वान किया कि हम सबको मिलकर एक मजबूत जम्मू कश्मीर, एक मजबूत भारत के लिए काम करना है। हम सब ने मिलकर उज्जवल जम्मू कश्मीर के भविष्य के लिए और उज्जवल भारत के भविष्य के लिए मिलकर काम करना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा हम भारत देश के नागरिक हैं और हम सबको मिलकर एक भारत और श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मन में लेकर काम करना चाहिए। आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया है। जम्मू कश्मीर का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है वो आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता है। इस मानसिकता को, इस विचारधारा को हमको समाप्त करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचारधारा को लेकर हमको आगे बढ़ना होगा, और सबको मिलकर जम्मू कश्मीर की जनता के हित में हम सबको कार्य करना होगा। यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर के सभी नेताओं से आह्वान किया। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ये सभी विषय धरातल पर नजर आएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली सरकार के दरवाजे जम्मू कश्मीर की जनता के लिए हमेशा खुले हैं। वो सभी विकास कार्य जो बड़े पैमाने पर शुरू किए गए हैं उनके लिए जो फंडिंग है वो एंश्योर की जाएगी। किसी कीमत पर भी जम्मू कश्मीर को फंडिंग में दिक्कत नहीं आएगी। जम्मू कश्मीर के विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा और एक नया जम्मू कश्मीर, उसका निर्माण, एक मजबूत जम्मू कश्मीर, उसका निर्माण हम सबको करना है। देश हित में और राष्ट्र हित में प्रधानमंत्री जी ने सबको संदेश दिया है कि हम सबको मिलकर अपने जम्मू कश्मीर और अपनी भारत माता, अपनी भारत भूमि के लिए कार्य करना है। ये हमारा देश है, ये हमारी मातृभूमि है, और अपनी मातृभूमि, अपने देश के लिए मिलकर सबको एक होकर कार्य करना होगा। राणा जी, आप सवाल उठा रहे हैं कहीं ना कहीं इन तमाम आतंकवादियों पर या फिर अलगाववादियों पर, लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही है जब तक 370 की बहाली नहीं होगी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, एक बार फिर से लोकतंत्र की दुश्मन बन रही है। रविंद्र जी, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दिल्ली से जब श्रीनगर पहुंचे हैं तो उन्होंने अपनी लाइन दोबारा चेंज कर दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य में पहले जो है वो पहले स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए, उसके बाद चुनाव और फिर डिलिमिटेशन की बात होनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर को
पूर्ण राज्य के दर्जे के संबंध में भी चर्चा हुई और इस विषय पर बोलते हुए हमारे देश के माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने स्पष्ट किया है कि जब धारा 370 पर पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी 5 अगस्त 2019 को, उस वक्त माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर को अभी केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाया जा रहा है और भविष्य में जब जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हो जाएंगे, परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी, तो जम्मू कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी राष्ट्र के नाम जब अपना संबोधन दिया था, उन्होंने भी कहा था कि जब परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। रही बात कुछ नेताओं की जो सर्वदलीय बैठक में थे और जिन्होंने कहा कि अगर जो धारा 370 के ख्वाब देखकर जी रहे हैं जो लोग, उनके लिए एक बात स्पष्ट है, जिस धारा 370 ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया और जिसके चलते लाखों बेगुना लोगों की यहां हत्याएं हुई, उस धारा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को तकलीफें पहुंचाई हैं, उस धारा को पुनः स्थापित करना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कयामत की सुबह तक धारा 370 अब वापस नहीं होगी। जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अब इस चैप्टर से आगे बढ़कर जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए सोचना चाहिए और जब भी चुनाव हो सबको चुनाव लड़ना चाहिए। चुनाव लड़ना भारत के संविधान ने सबको अधिकार दिया है और अगर चुनाव जब भी होंगे तो मैं उम्मीद रखता हूं कि वो उन सबको यह चुनाव लड़ना चाहिए। रविंद्र जी, आपने कहा कि माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि समय आने पर जो है वो राज्य का दर्जा मिलेगा, लेकिन अब कश्मीर बेस्ड जो सेंट्रिक पार्टियां हैं वो पूर्ण राज्य का दर्जा मांग रहे हैं जिसमें लद्दाख भी शामिल था, तो क्या वो भी शामिल होगा क्या? इसी से जुड़ा एक सवाल है कि आपको कब लगता है कि सही भारत के पार्लियामेंट में, हमारे देश के पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा में चर्चा के बाद जब इस बिल को सहमति मिली, उसके बाद हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर करके भारत के संविधान के मुताबिक लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया है। वहाँ के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर अलग हैं, वहाँ की सारी व्यवस्थाएं अलग हो चुकी हैं, जम्मू कश्मीर अलग से यूनियन टेरिटरी है। इसलिए कुछ लोग जरूर अपनी पार्टी लाइंस पर बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अब लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी है और जम्मू कश्मीर अलग से यूटी। पुरानी सरकारों में भी डायलॉग प्रोसेसेस होते थे लेकिन तब आरोप ये लगता था कि वो कश्मीर सेंट्रिक हो है, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू को ये लगा कि बिना डायलॉग प्रोसेस के भी काम चलाया जा सकता है, लेकिन क्या अब मान लिया जाए कि फिर से डायलॉग प्रोसेस? माननीय प्रधानमंत्री, चूंकि एक पॉलिटिकल डेडलॉक बना हुआ था, पिछले 2-2.5 वर्षों में एक पॉलिटिकल डेडलॉक जम्मू कश्मीर के अंदर था, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस इनिशिएटिव से यह राजनीतिक गतिरोध टूटा है और सभी राजनीतिक दलों के जो नेता हैं वो उस बैठक के अंदर आए हैं, सबने अपनी बात रखी है और अंत में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको मजबूत जम्मू कश्मीर और मजबूत भारत के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर दिलों की दूरियां भी मिटानी होंगी और दिल्ली की दूरियां भी मिटानी होंगी, इसका मतलब स्पष्ट है। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम सबको मिलकर जम्मू और कश्मीर की जनता की भलाई के लिए काम करना है। पी चिदम्बरम कह रहे हैं ना जी, पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा चाहती है, लेकिन मोदी सरकार जो है वो पहले चुनाव चाहती है। अब जो कांग्रेस के कुछ नेता हैं, पी चिदम्बरम हो या कुछ और नेता, वो उस बैठक में नहीं थे, लेकिन इस प्रकार के कांग्रेस के कुछ नेता हमेशा राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करते हैं, कांग्रेस को इस प्रकार की
राष्ट्र विरोधी जो है वो बातों से दूर रहना चाहिए और देश हित में कार्य करें। जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पहले नाम जम्मू का आता है फिर कश्मीर का आता है। जब भी सेंटर में कोई बात होती है तो मिशन कश्मीर के नाम पर होती है, जम्मू की बात कौन करेगा? आखिरकार कब बात होगी जम्मू के मुद्दों को लेकर? वो सभी विषय हमने चर्चा में लाए हैं जो हमने उस बैठक के अंदर उसके चर्चा में लाए। आपने कहा कि परिसीमन होगा और जम्मू से जो भेदभाव होता है वो कम होगा, अगर आप भी जानते हो परिसीमन जो है वो पॉपुलेशन के आधार पर मेजोरिटी पे होता है, 2011 का सेंसस जो है वो नजर में लिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि जो आप भेदभाव की बात करते हैं वो कितना सेटल हो पाएगा? जो परिसीमन है डिलिमिटेशन ऑफ असेंबली सीट्स, जिसके तहत जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा की सीटों का गठन होगा, उसका एक सेट नॉर्म्स है, डिलिमिटेशन कमीशन के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से उसको अपनाते हुए उनको काम करना है, जिसमें पॉपुलेशन एक कंपोनेंट है, उसके अलावा उस अलग अलग क्षेत्रों की रोड कनेक्टिविटी कैसी है, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, टोपोग्राफी कैसी है, एक्सट्रीम हिलीज हैं या कम हिली एरियाज हैं, टेरेन कैसा है, वहाँ के अंदर बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज, स्कूल एजुकेशनल फैसिलिटीज, उसकी क्या व्यवस्थाएं हैं, ऐसे अनेक पैमाने हैं जिनके आधार पर वह रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन ने तैयार करनी है। उसमें पॉपुलेशन एक कंपोनेंट है लेकिन अन्य चार कंपोनेंट भी बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनको लेकर वो डिलिमिटेशन कमीशन। रैना जी, रैना जी भीम सिंह ने कहा मीटिंग में सिर्फ कश्मीर पर चर्चा हुई है, जम्मू की बात ही नहीं। नहीं, वो भी बोले हैं, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है, हर एक ने अपना पक्ष। क्या कमी रहेगी जो स्टेटमेंट अभी भी मिलने में समय लग रहा है सर? मैं आप सबका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, आप सभी यहाँ, थैंक यू।